गांधी परिवार के लिए अभी कुछ भी सही नहीं हो रहा। दो बार से सत्ता हाथ से निकल रही है, फिर एसपीजी की सुरक्षा हाथ से निकली और अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सरकारी आवास खाली करने के निर्देश जारी कर दिए गए। प्रियंका गांधी के लिए यह खबर बेहद चौंकाने वाली है। केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को एक महीने के भीतर सरकारी आवास खाली करने को कहा है। आदेश में यह भी कहा गया है कि एसपीजी सुरक्षा हटने के बाद प्रियंका गांधी को सरकारी आवास में रहने का कोई अधिकार नहीं। इस आदेश में एक बातें और भी कही गई है कि यदि वह सरकारी आवास को खाली नहीं करती हैं, तो इस आवास का किराया या क्षतिपूर्ति का खर्जाना उन्हें देना होगा। आपको बताते चले कि पिछले साल ही केंद्र सरकार ने गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा हटाते हुए उन्हें जेड प्लस की सुरक्षा में तब्दील कर दिया था और इस नियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा के तहत सरकारी आवास में नहीं रह सकता है। हालांकि इस पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से सवाल भी पूछा है कि चीनी सैनिकों को खाली कराने की जगह प्रियंका गांधी के आवास को खाली कराना बहुत ज्यादा जरूरी है क्या। अब देखना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा कब तक इस सरकारी आवास को खाली करती है।